हेलो एवरीवन, हाउ सब यू स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल मिश्रा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के बारे में। फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना ना भूले, और सेशन अगर अच्छा लगता है आप लोगों को शेयर करना ना भूले। तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1860 के थ्रू आपका हाई कोर्ट ऑफ गुजरात बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ। अगर आप ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से देखें, ये आपका इंडिया का 14th हाई कोर्ट था। ठीक है, 14th अगर आप देखेंगे सीरियल वाइज ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, तो आपका ये 14th हाई कोर्ट था। कैसे एस्टेब्लिश हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र बेसिकली पहले बॉम्बे हुआ करते थे, उसका डिवीजन हुआ 1960 में, जो कि आपका उस हिसाब से गुजरात हाई कोर्ट 1960 में एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें फंक्शनिंग जो होती थी पहले नवरंगपुरा अहमदाबाद में होती थी, लेकिन लेटर ऑफ 1999 के 16 जनवरी को एक नई बिल्डिंग बना के जिसमें शिफ्ट किया गया, जो आपको गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद गुजरात में मिलेगा, जो कि प्रेजेंटली अभी भी यहाँ पे हाईकोर्ट मिलती है, जिसकी इमेज आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रही होगी। सीट कहाँ है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बेंच की बात करते हैं। बेंच यहाँ पे कोई भी नहीं, याद रखिएगा गुजरात हाईकोर्ट की कोई भी बेंच नहीं है, वो एक ही एक प्रिंसिपल सीट है जो कि आपकी अहमदाबाद में। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस और स्ट्रेंथ जो बेसिकली जजेस की होती है, वो दोनों डिफरेंस कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा। टोटल स्ट्रेंथ जो है, जो मैक्सिमम लिमिट है बेसिकली, वो 52 जजेस की है। इसका मतलब ये है कि गुजरात हाई कोर्ट में मैक्सिमम 52 जजेस हो सकते हैं एक टाइम में, जिसमें परमानेंट जजेस 39 होंगे, 39 होंगे, और एडिशनल जजेस आपके 13 हो सकते हैं। एडिशनल जजेस याद रखिएगा 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। एडिशनल जजेस जो होते हैं उनकी टर्म 2 साल की होती है, याद रखिएगा। बार बता रहा हूँ आप लोगों को, सेंशन स्टेंट जो होती है बेसिकली वो अपर लिमिट होती है, और जो प्रेजेंट बेसिकली ऐसा जरूर नहीं होता कि हर बार आप 52 जजेस ही होंगे, उससे कम भी होते हैं प्रेजेंट में। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो आपकी जो गुजरात हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है वो पूरे स्टेट ऑफ गुजरात में अप्लीकेबल होता है। इसके अलावा किसी और दूसरे स्टेट पे अप्लीकेबल नहीं होता, ना तो किसी और आपके यूनियन टेरिटरी पे ये अप्लीकेबल होता है। याद रखिएगा, ज्यूरिडिक्शन जो है गुजरात हाईकोर्ट की पूरे स्टेट ऑफ गुजरात में टेरिटरी वाइज आपकी एस्टैब्लिश की गई है। फर्स्ट चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस सुंदरलाल देसाई थे बेसिकली, जिनकी टर्म फर्स्ट मई 1960 से स्टार्ट हुई और 25 जनवरी 1961 तक चली, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस आपके। इसके आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट जो बेसिकली मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे ऑनरेबल मिस जस्टिस रेखा एम दोषित, फर्स्ट वुमेन जज थी बेसिकली हाई कोर्ट की, और फर्स्ट वुमेन जज जो कि गुजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, जो कि प्रेजेंट आपका जस्टिस बेसिकली आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, वो मिलेंगे ऑनरेबल मिसेज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ठीक है। अगर आप भी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, अगर गुजरात हाई कोर्ट के केसेस की आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हो, तो वहां पर लाइव स्ट्रीमिंग आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जो कि गुजरात हाई कोर्ट की आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट भी फॉलो करते हैं बेसिकली आप गुजरात हाई कोर्ट की, जो वेबसाइट का नाम मिलेगा आपको www.gujarathighcourt.nic.in। यहाँ पे आप लोग कोई भी अगर आपको बेसिकली केस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। कोई एक्ट या रेगुलेशन बेसिकली गुजरात का चाहिए, या कोई और आप एस्पेक्ट्स है, लेटेस्ट अपडेट आप देखते हैं कौन चीफ जस्टिस है बेसिकली, कौन जजेस बेसिकली अभी है, तो वो सारी चीजें आप इस वेबसाइट पर प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। अगर आप भी लॉ स्टूडेंट हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस केस में सबसे अच्छा मौका है आप लोगों के पास, जो कि अन अकेडमी लेके आए आप लोगों के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि होने वाला है 13 नवंबर 11 बजे। याद रखिएगा 13 नवंबर डेट है, 11 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। 100% तक स्कॉलरशिप आप दे सकते हैं जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए, याद रखिएगा। साथ में बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे आपको। अगर आप इस रैंक इस बेसिक टेस्ट में रैंक 1 सिक्योर करते हैं तो आप लोगों को टैबलेट दे सकते हैं। रैंक 2 अगर आपका आती है तो 5G स्मार्टफोन आप जीत पाएंगे। रैंक 3rd से लेकर 7th तक अगर आप सिक्योर करते हैं तो ईयरबड्स आपके पास जीतने का मौका है। अगर आप रैंक 8 से लेकर 17th तक सिक्योर करते हैं तो होम स्पीकर मिल जाएंगे आपको, और अगर आप 18th रैंक से 100 रैंक पर आते हैं तो आपको गिफ्ट वाउचर डिफरेंट अमाउंट्स के मिल सकते हैं। करना कैसे, याद रखिएगा, फ्री टेस्ट है बेसिकली, इनरोलमेंट आपका एक भी पैसा नहीं लग रहा आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल रहा होगा, इसके आपको कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग पिन किया होगा। साथ में अगर कोई दिक्कत आती है आप लोगों को टेस्ट को अनलॉक करने के लिए, तो आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग टेस्ट को अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा
100 पॉइंट स्कॉलरशिप दे सकते हैं, एक्साइटिंग प्राइजेस दे सकते हैं। आप लोग डेट याद रखिएगा 13 नवंबर 11 बजे सुबह, टेस्ट को इनरोल करना ना भूलें। इसका आप लोग अनअकैडमी पे आइकॉनिक सेक्शन में डिफरेंट फीचर्स मिल जाते हैं आप लोगों को, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग एडुकेटर्स मिल जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है, आपको मेंटर बेसिकली मिल जाएंगे गाइडेंस के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए। साथ में आपको टेस्ट सीरीज फोकस किया जाता है, जो कि मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, जिसको इवेल्युएट किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। जितने बेनिफिट्स होते हैं प्लस क्लासेस के, जिसमें आप बेसिकली पूरा कोर्स कवर कर पाएंगे, चाहे वो प्री का हो मेंस का हो, ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट, क्रैश कोर्स आपको मिल जाएंगे, रैपिड रिवीजन बैच मिलेंगे, सारे के सारे बैचेस करते हैं, इवन आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स, और साथ में आपको मॉक इंटरव्यू वीडियोस मिल जाता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप लोगों को, आनंद सर लाइव कोड यूज करके आप लोग 10% ऑफ फ्लैट ऑफ ले सकते हैं। साथ में आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आनंद मिश्रा 10 के नाम से। थैंक यू सो मच।